हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विरासत। इस वीडियो में एक बहुत ही अलग से खास चीज के बारे में बताएंगे, जो कि है ये। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे, तो अब आप मेरे को बोल रहे कि इसमें अलग और खास क्या है। लाल टमाटर है, बहुत कॉमन होता है, जैसे कि नीचे जो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा वो भी लाल होगा, कोई खास बात नहीं है। अगर आप उसको दबाओगे तो वो सफेद हो जाएगा, वो खास बात है, तो जाके दबाइए। सॉरी फॉर द पीजे। तो ऐसे ही दोस्तों, जब भी हम कोई ज्यादा कॉमन चीज देखते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो टमाटर है वो काले रंग का भी होता है, और रंग रंग का फर्क नहीं, उसमें बहुत सारे जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है और काफी सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे काले टमाटर के बारे में, क्या होता है, कैसे बना और क्या क्या इसमें जो हमको फायदे मिलते हैं। जो काला टमाटर है उसको इंडिगो रोज टोमेटो के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरह का क्रॉस है, जो कि आपका एक बैंगनी टमाटर है और एक आपके जंगली टमाटर होते हैं, उनके बीच क्रॉस कराया गया था। उसके बाद जो हमको आगे प्रोजेनी मिली है वो मिली हमको इंडिगो रोज टोमेटो, जो कि काला टमाटर है। अगर ग्राहकों को या किसी को भी अलग रंग का टमाटर देखने को मिलता है तो उसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसमें काफी सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी है, इसके काफी सारे सेहत के लिए फायदे। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार इसमें जो है एंथोसाइनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि किसी भी फ्रूट को या किसी भी चीज को जो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट यानी कि जो प्रावैंगनी किरणें होती है उनसे बचाता है। तो शुरुआत में जो टमाटर लगते हैं वो बिल्कुल हरे ही होते हैं, जैसे नॉर्मल टमाटर होते हैं, लेकिन जैसे ही उन पे धूप पड़ने लगती है तो वो काले रंग में बदलने लगती है, और जब वो पूरा ब्लैक हो जाता है तो उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। इसमें जो एंथोसाइनिन तथा जो लाइकोपिन, दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो काफी सारी बीमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है कुछ तरह के कैंसर, डायबिटीज और मोटापे से लड़ने में जो है सक्षम है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो कि हार्ट प्रेशर और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, इससे पहले जो इंडिया में इसको उगाया नहीं जाता था, लेकिन फॉरेन में कुछ टाइम से इसको कल्टीवेट किया जाता है, वहां पे जो इसकी डिमांड अब काफी ज्यादा है। इसी तरह से पिछले साल इंडिया में भी इसके सीड्स लाए गए हैं, तो अब धीरे धीरे जो हमको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप मार्केट में इसको देखो तो आपको पता होना चाहिए कैसे और क्या है। अगर आपके पास है, आप किसी को जानते हैं जिसने इसकी कल्टीवेशन की है, तो हम कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैंने इसके सीड्स जो है ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो जल्द ही आ जाएंगे मेरे पास। जब जैसे ही मैं कल्टीवेट करूंगा तो उसके पूरे स्टेप्स को जो आपके लिए लेके आऊंगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके जो सीड्स है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, और मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा जहां से आप उनको खरीद सकते हो, जो कि 100 से 150 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।